उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास बड़ा रेल हादसा हुआ। साबरमती एक्सप्रेस के 19 डिब्बे पटरी से उतर गए। कानपुर और भीमसेन स्टेशन के बीच पटरी से ये डिब्बे उतरे, 19 डिब्बे पटरी से उतर गए। वाराणसी से अहमदाबाद के लिए साबरमती एक्सप्रेस जा रही थी। मौके पर बचाव और राहत का काम जारी है। बोल्डर के टकराने से यह हादसा हुआ है। ड्राइवर के मुताबिक इंजन बोल्डर से टकराया और उसके बाद यह हादसा हुआ। 19 डिब्बे पटरी से उतर गए। यात्री जो हैं उस ट्रेन के, उनको बसों से कानपुर ले जाया जा रहा है और उन्हें आगे उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, साबरमती एक्सप्रेस जो वाराणसी से अहमदाबाद के लिए जा रही थी पटरी से उतर गई। 19 डिब्बे पटरी से उतर गए। कानपुर और भीमसेन स्टेशन के बीच इस गाड़ी के 19 डिब्बे पटरी से उतर गए। ड्राइवर के मुताबिक इंजन बोल्डर से टकराया और उसके बाद ये हादसा हुआ। हालांकि इस हादसे में एक सुकून की बात यह है कि कोई भी हताहत नहीं हुआ है, कोई घायल नहीं हुआ है। सभी यात्रियों को सुरक्षित ट्रेन से बाहर उतार लिया गया और उसके बाद उन्हें कानपुर पहुंचाया जा रहा है, बसों के जरिए पहुंचाया जा रहा है। इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन के लोग वहां पर पहुंचे, जिला प्रशासन और पुलिस की टीम पहुंची, साथ ही रेलवे के पदाधिकारी भी पहुंचे। साबरमती एक्सप्रेस के 19 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। यह हादसा हुआ है कानपुर के पास वाराणसी से अहमदाबाद जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस के इंजन का बोल्डर से टकराने के बाद यह हादसा हुआ है। ड्राइवर के मुताबिक यह हादसा जो हुआ है उसके पीछे की वजह बताया जा रहा है कि इंजन बोल्डर से टकराया और उसके बाद 19 डिब्बे पटरी से उतर गए। कोई हताहत नहीं हुआ है और जो यात्री हैं उन्हें सुरक्षित ट्रेन से बाहर उतारा गया और फिर उन्हें बस के ज़रिए प्रशासन की तरफ से और रेलवे की तरफ से उन्हें कानपुर भेजा जा रहा है। रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं मिर्ज़ापुर कानपुर के लिए। हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं रेलवे विभाग की तरफ से। इटावा के हेल्पलाइन नंबर और टुंडला के हेल्पलाइन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर हम लगातार दे रहे हैं। अहमदाबाद के लिए ये ट्रेन जा रही थी। अहमदाबाद, बनारस सिटी, गोरखपुर के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। लखनऊ के लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इस घटना की सूचना मिलने के बाद हम आपको बता दें कि प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम और रेलवे विभाग की टीम वहां पर पहुंची, राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है वो नंबर हम आपको बता दे रहे हैं। प्रयागराज के लिए जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 0532-240-8128 और 0532-240-7353। कानपुर के लिए हेल्पलाइन नंबर है 0512-232-3018, 0512-232-015। कानपुर के लिए जो नंबर है हम आपको अगर फिर से बता दें 0512-232-3018, 0512-232-3015। मिर्ज़ापुर के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 0544-222-00097। इटावा के लिए हेल्पलाइन नंबर है 7525001249। टुंडला के लिए हेल्पलाइन नंबर है 7392959702। अहमदाबाद के लिए है हेल्पलाइन नंबर 0792211-3977। बनारस सिटी के लिए हेल्पलाइन नंबर है 8303994411। गोरखपुर के लिए हेल्पलाइन नंबर है 0551-220-8088। लखनऊ के लिए जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है वो नंबर है 9794838237। ये हेल्पलाइन नंबर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी हम
दे रहे हैं और जो भी जानकारी लेनी है इससे जानकारी आपको मिल सकती है। आपके अगर कोई सगे संबंधी जानकार जो इस ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं उनके बारे में पूरा विवरण यहां से बताया जा सकता है। और ये जो हादसा हुआ है, इस हादसे को लेकर कानपुर के एडीएम और डीआरएम का क्या कहना है, सुनिए। आइस जो है, बोगियां जो है, ट्रेन से वो पटरी से उतरी हैं, लेकिन गनीमत ये है कि कोई घायल नहीं हुआ है, कोई हताहत नहीं हुआ है, सब सेफ है। और इनको जो है बसों के द्वारा जो है स्टेशन द्वारा भेजा भी जा रहा है। और अभी रेलवे द्वारा अभी बताया गया है कि मेमो ट्रेन भी आ रही है जिससे लोगों को स्टेशन द्वारा भेजा जाए। आप लोग लगातार राहत कार में लगे हैं, यहाँ दिख रहा है, तो अभी किस तरह से रिलीफ यात्रियों को जो यहाँ पर ट्रैक पर बैठे हुए हैं उनको किस तरह से रिलीफ? देखिए, इन लोगों को सबको जो है पानी, कुछ खाने का, चाहे जो संभव हो पा रहा है वो करा जा रहा है। बाकी कोई जो है दिक्कत नहीं है। पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग, सब रेलवे के लोग सब यहाँ पे लगे हुए हैं, सब सहायता कर रहे हैं। कोई कोई नहीं, कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, कोई इंजर्ड नहीं हुआ है, यही अच्छी बात है। हादसा तो इसमें रेलवे और कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। जो भी पैसेंजर इसमें थे उनको हम लोगों ने ट्रेन लगा करके वापस उनको कानपुर लेके चले गए हैं, कुछ बस से भी चले गए। और कानपुर में एक ट्रेन वहां पर एक रेडी कर लिया गया है। ये तो डिटेलमेंट के बाद हो ही जाता है। नहीं, उस ड्राइवर का जो स्टेटमेंट था उसमें कोई चीज टकराने की आवाज आई थी, तो फिर बाकी तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। अब इसके ऊपर हम लोग प्लान कर रहे हैं, टाइमिंग का हम लोग असेसमेंट ले रहे हैं, आप लोग देख ही रहे। इस हादसे के बाद जांच भी होगी, लेकिन शुरुआत में ये बताया जा रहा है कि इंजन के वोल्डर से टकराने के बाद ये हादसा हुआ है और इसकी जांच भी आगे की जाएगी।